हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर तुम्हारी क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे जिसका टाइटल है माय फादर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो लेट स्टार्ट टुडेज लेक्चर। माय फादर, मेरे पिताजी। नेम, एज एंड ऑक्यूपेशन, पिताजी का नाम क्या है, आयु कितनी है एंड ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय क्या है, काम काज क्या करते हैं वो। द नेम ऑफ माई फादर इज मिस्टर पवन कुमार, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान पवन कुमार है। ही इज 50 years old, वो 50 वर्षीय हैं। ही इज अ बिजनेसमैन, वो एक व्यापारी हैं। बिजनेसमैन भी होता है व्यापारी। हिज ड्रेस, उनके पोशाक के बारे में बात कर लेते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं वो। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। ही ऑलवेज वियर्स सिंपल क्लीन क्लॉथ, वो हमेशा साधारण साफ कपड़े पहनते हैं। वियर्स में पहनना होता है, ऑलवेज में हमेशा। ही आल्सो वियर्स कुर्ता एंड पैजामा, वो कुर्ता और पैजामा भी पहनते हैं इन समर, गर्मियों में। समर में गर्मी होती है। ही आल्सो वियर्स अ कोट, वो एक कोट भी पहनते हैं। आल्सो में भी, वो एक कोट भी पहनते हैं इन विंटर, सर्दियों में वो कोट भी पहनते हैं। हिज क्लॉथ्स आर ऑलवेज नीट एंड क्लीन, उनके कपड़े हमेशा साफ और सुथरे रहते हैं। नीट एंड क्लीन का मतलब साफ सुथरे। आगे देखें, हिज नेचर, उनके स्वभाव के बारे में बात कर लेते हैं, स्वभाव कैसा है उनका। ही इज अ मैन ऑफ गुड नेचर्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन, वो एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं एंड सॉफ्ट स्पोकन, और मधुवासी हैं। मधुवासी मीन्स इट मीन्स वो लाउडली नहीं बोलते, ज़्यादा जोर से नहीं बोलते, बहुत स्लोली यानी धीरे से बोलते हैं। ही नेवर यूजेस हार्श वर्ड टू एनीवन, ही नेवर यूज, वो कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं हार्श वर्ड, कठोर शब्दों का, टू एनीवन, किसी के लिए, वो कभी किसी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ही नेवर बिकम्स एंग्री विद मी, वो कभी मुझसे नाराज नहीं होते हैं। ही नेवर बिकम्स, वो कभी नहीं होते हैं एंग्री, नाराज विद मी, मुझसे। ही लाइक्स टू डू हिज ओन वर्क, वो पसंद करते हैं टू डू हिज ओन वर्क, अपने स्वयं को काम को करना, हिमसेल्फ, स्वयं से, यानी वो अपना काम स्वयं से करना पसंद करते हैं, यानी अपना काम स्वयं से करेंगे वो। ही नेवर लीव्स टूडेज वर्क फॉर टुमारो, ही नेवर लीव्स, वो कभी नहीं छोड़ते हैं टूडेज वर्क, आज का काम, फॉर टुमारो, कल के लिए नहीं छोड़ते हैं वो आज का काम, कभी कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। आगे देखें, क्वालिटी की बात कर लेते हैं, इस क्वालिटी, उनकी विशेषता क्या है, गुण क्या है उनके अंदर। ही इज़ अ गुड मैन, वो एक अच्छे आदमी है। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी आर हिज प्रिंसिपल, ट्रुथ मीन्स सच्चाई एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, आर हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, करें सच्चाई और ईमानदारी उनके सिद्धांत हैं। ही स्पीक्स वेरी जेंटल, वो बहुत मधु बोलते हैं, जेंटल मीन्स मधु, मधु मीन्स यानी हम ही कह सकते हैं बहुत स्लोली बोलते हैं, ज़्यादा लाउडली नहीं बोलते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। हॉबीज देख लेते हैं, उनके शौक क्या है, इज हॉबीज, क्या क्या शौक रखते हैं वो। रीडिंग न्यूज़ पेपर इज हिज हॉबी, अखबार पढ़ना यानी समाचार पत्र पढ़ना उनकी हॉबी, उनका शौक है। द अमर उजाला इज हिज फेवरेट न्यूज़पेपर, अमर उजाला उनका सबसे पसंदीदा अखबार है, पसंदीदा अखबार है कौन सा, अमर उजाला। आगे देखें, देखा, ही रीड्स द न्यूज़पेपर एट नाइट, वो रात को अखबार पढ़ते हैं, इट मीन्स उनको दिन को टाइम नहीं मिलता इसलिए वो रात को अखबार पढ़ते हैं। ही आल्सो लिसन्स ओल्ड सॉन्ग, वो पुराने गीतों को भी सुनते हैं, कौन, पिताजी, पिताजी पुराने गीतों को भी सुनते हैं। Why he is respected, उनका सम्मान क्यों किया जाता है, उनका जो विलेज में सम्मान है वो क्यों किया जाता है बताएंगे। He is literate, वो पढ़े लिखे हैं, cultured, सो संस्कृत है यानी संस्कारी हैं काफ़ी, intelligent, बुद्धिमान है, and sweet tempered, और मधु, ये कह सकते हैं हम tempered, अच्छे मिजाज के हैं उस, मधुर मिजाज के हैं। The village people have good opinion about him, गांव के लोग उनके विषय में अच्छे विचार रखते हैं, have means रखना होता है। They also, sorry, they call him लाला जी, वो उनको लाला जी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लगता समझ में आया होगा, अगर आपको ये हमारा वीडियो लगता समझ में आया तो हमारे चैनल हरन सर क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।